देखिए, जहां तक रोजगार का सवाल है, लगभग 400 रोजगार सरकार ने गिनाए हैं और खादी ग्राम उद्योग है, जिला उद्योग केंद्र है, इन केंद्रों के माध्यम से उन्हें रोजगार मिलना चाहिए। लेकिन 15 से 20% पत्रावली उनकी तैयार करने में और ऋण प्राप्त करने में उन्हें खर्च करने पड़ते हैं, इसलिए लोग कर्ज अदा नहीं कर पाते। सबसे पहले तो पहला आक्रमण यह होगा कि ऐसे जो लोग भी रोजगार के लिए आवेदन कर रहे हैं उन्हें बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना किसी दौड़ भाग के उन्हें ऋण मिल जाए और उन्हें कहीं कमीशनखोरी का सामना न करना पड़े, यह काम तो हम लोग करेंगे। जो ऐसा करेगा उसके लिए विधिक प्रक्रिया का पालन करके उनका स्थान और कहीं नहीं होगा, उनका स्थान तो जेल में ही होगा। देखिए, बिजली की जो भयावह स्थिति, अब करेंगे आप पूछ रहे हैं, हमने किया है, न रहते हुए हम सब ने व्यापक किया है बहुत कुछ। कोई संघर्ष, कोई बिंदु ऐसा बाकी नहीं जिस पर संघर्ष न किया गया हो। बिजली, एक तो बिजली की चोरी भी हम लोग बंद करेंगे, मैं प्रत्याशी हूं और यह कहने पर वोट बैंक भी प्रभावित हो सकता है, लेकिन जितने लोग भी अवैध रूप से जलाते हैं उनको हम लोग प्यार से मोहब्बत से मनाएंगे, नहीं मानते हैं तो उनके ऊपर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। कितना दुखद पक्ष है कि जिलाधिकारी से लेकर के समस्त अधिकारियों के ठीक सामने बिजली के पोल पर धड़ल्ले से दिन भर बल्ब जलते रहते हैं। इसका मतलब सब अंधे हैं, किसी को दिखता नहीं। नगर पालिका का चेयरमैन है, उसके नगर पालिका के ठीक सामने आपको दिन के जलते हुए बल्ब दिखेंगे आपको। इस पर भी हम सब रोकेंगे और इस पर भी हम लोग वैधानिक कार्रवाई कराएंगे। और जो जटिल प्रक्रिया है बिजली का कनेक्शन लेने की, बिजली बिल जमा करने की, बिजली बिल जमा करने के बाद भी बिजली का बिल आता है, ऐसे सारे लोगों को हम लोग ठीक करेंगे और कानून का डंडा चलेगा, ये लोग ठीक हो जाएंगे, 2-4-5 लोगों को जेल भेजना पड़ेगा। देखिए, पहले तो कन्या भ्रूण हत्याएं हम रोकेंगे, तो सबसे दुखद पक्ष है आज जिस प्रकार पहले के दिनों में लोग कुंवारे घूमते थे, अगर 5 भाई हैं तो 2 भाई 3 भाई की शादी होती थी, शेष भाई कुंवारे रहते थे। यह प्रतिशत सरकारी आंकड़े चाहे जो भी बताएं, लेकिन जमीनी हकीकत तो बहुत भयावह है, क्योंकि लड़कियों की संख्या लगातार कम होती जा रही है, कहीं कोई अल्ट्रासाउंड पर नियंत्रण रही है, कन्या भ्रूण हत्याएं धड़ल्ले से की जा रही हैं, इसलिए और इधर की लड़कियां पश्चिम में जा रही हैं, गाजियाबाद, इटावा, मेरठ, कन्नौज, वहां जा रही हैं, तो इधर लड़के आज 30 साल 32 साल 35 साल के होकर के कुंवारे घूम रहे हैं। सबसे पहला तो काम इस पर हम लोग करेंगे।